आपका नाम क्या? मेरा नाम सुनील मंडल। आपका गांव का नाम क्या? गांव का नाम लुकलुकी, ग्राम पोस्ट लुकलुकी और जिला गोड्डा, थाना गोड्डा, झारखंड। अच्छा, आप ये प्रोडक्ट किस किस फसल में डाले थे सर? ये पहले कद्दू में डाले, कद्दू में जड़ में दिए और इसका नाम है रूट बॉडी। तो इसमें पहले जड़ में दिए, कद्दू जन्मने के बाद थल्ला बना ली, उसमें जड़ में दिए। जड़ में जब गाछ प्रोदित हुआ तो उसमें मिट्टी ढक दी और मिट्टी ढक से पटवन लगाए कद्दू में। और उसके बाद जब गाछ उधर से निकला, काला होके निकला, जैसे जैसे कद्दू का बढ़ते गया डंठल, वैसे वैसे उसमें प्रोदित होते गया। उसके बाद जब इसमें फूल आने लगा तो साइज भी बढ़िया कद्दू का हुआ और उसमें डंठल भी, जब जब जैसे डंठल मोटा हुआ कद्दू बढ़िया बढ़िया निकलने लगा फ्रेश सब। कितना कट्ठे में कद्दू लगा? कद्दू हम 4 कट्ठे में लगाए थे। तो फसल कितना परसेंट? परसेंट ठीक है, अगर 4 कट्ठे में मतलब 4 बोरा के मतलब एक दिन छोड़ा के एक दिन हम लोग तोड़ते थे। बहुत अच्छा इसमें आया कद्दू में प्रोडक्ट। और बैगन में? बैगन में तो ई भी डाले थे रूट बॉडी। तो उस बैगन में भी तो हम लोग अघन में लगाए थे और अघन में लगाने के बाद उसमें मिट्टी चढ़ाए हैं। मिट्टी चढ़ाने के बाद अभी तो 8-9 महीने तक बैगन फला, लेकिन बैगन 3 महीने से अधिक नहीं फलता है। लेकिन बैगन अच्छा रिजल्ट आपको रूट बॉडी से मिला? हाँ, रूट बॉडी बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा करता है। और रूट बॉडी के साथ और कुछ डाले थे? रूट बॉडी के साथ में तो नहीं डाले थे, लेकिन ई वाला जो बायोविराट जो डाले थे तो बैगन में और गोभी में डाले थे। तो ये छिटकाव जो किए थे, जितना पत्ता में गलसा रहता था वो ख़त्म करता था, बैगन में जो छेदक भी होता है उसको ख़त्म करता, बैगन इसमें गल से गिरता नहीं बैगन में। यही तो इसमें बहुत अच्छा ही लगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है और हम सोचते हैं कि और किसान भाई सब और सब यही चलावे, बहुत अच्छा है। देखो एक बार चला के देखें, ऐसा कोई देखो एक बार चला के बायोविराट और रूट बॉडी चला के भी देखें, दोनों चला के एक बार देखें, यूज करके भी देखें कैसा है। जी जी जी, हम तो कहते हैं किसान भाई को चलावे और क्या कहेंगे सर के लिए और कोई संदेश? सर के लिए संदेश क्या, हम लोग यही चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया आप लोग दीजिए दवाई और बायोविराट ही, तो हम लोग चलाते रहेंगे और बढ़ते जाएगा। और किसान भाइयों के लिए कोई? किसान भाई के लिए क्या इसमें? किसान भाई को कुछ कहना चाहते किसान भाइयों को और जागरूक होने के लिए? हाँ, वो जो जो ये दवाई लेगा तो अपने जागरूक हो जाएगा आदमी। मतलब हम चलाएं और किसी लोग चलाए और हमसे और कोई मांगे उसको हम दे दिए, देखो भाई कैसा हाल है, इसको भी नहीं दे देना, बैंगन के जड़ में देना। अच्छा, आप अपने हाथ से कितने किसान भाई को दिए हुए? हम अपने किसान के 10-15 टोक दम दे चुके हैं। उन लोग ने कुछ बताया रिजल्ट? हाँ, उन लोग भी बोला था कि नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ, उन लोग बोला बहुत अच्छा है। हम सोचे अभी 15 टोक दिए हैं और आप लोग भी किसी को दे के टेस्ट कीजिए। हम तो पहले टेस्ट में दिए थे, हम मंगवाए थे तो पहले टेस्ट में दिए थे, टेस्ट करके गए थे, फिर बाद में हम जब हमारा ठीक हुआ तो हम मंगवाए थे। तो कुरियर द्वारा भी हम मंगवाए हैं, तो हमारा अच्छा है तो हम मंगवाएं और सब लोग भी मंगवा सकते हैं, एक बार लेके देखें। आपको कितना लगा था कुरियर चार्ज सबसे पहले? कुरियर चार्ज में सबसे पहले वह 200 लगा था। रूट बॉडी का क्या रेट पड़ा था आपको कुरियर चार्ज में? कुरियर चार्ज में सब लेके वही 600 की इतना लगा था हमको रूट बॉडी का। हाँ, लेकिन वहाँ से पहले यहीं पे कंपनी लाके देता है तो वही ना सही रहेगा, काहे उसको हम उतना पैसा देंगे कुरियर में, डायरेक्ट हम कंपनी से काहे ना कन्वर्ट करके रखेंगे। और कुरियर में कंपनी कर उसमें फालतू पैसा, जितना हम कुरियर में पैसा देंगे उसमें कंपनी का आदमी आएगा उससे भी हम लेंगे 2 पैकेट 5 पैकेट 10 पैकेट रख लेंगे एक ही बार 6 महीने का, काहे देंगे उसमें कुरियर में पैसा उतना। अच्छा, कंपनी डायरेक्ट किसान को दे या डीलर बनाए आपको? लेकिन किसान को देना चाहिए, डीलर में तो मैं हम लोगों को पैसा अधिक लगेगा, अब किसान हाथ है हाथ दे देता है तो बहुत अच्छा रहता है, यही होता है क्या। अब डीलर को डीलर हमें 10% 20% जोड़ के पैसा ले लेगा और कंपनी वाले हाथ हाथ हम को देता है, तब तो उसमें तो हम उतना पैसा तो लगे ना लगेगा नहीं ना। लेकिन किसान भाई तो ये नहीं मानते, बोलते डीलर ही अच्छा प्रोडक्ट देते हैं।
तो डीलर तो कंपनी से लेता है माल, तो उसमें वही माल डीलर के पास लगेगा, कंपनी लाके दे, वो चीज तो वही है। आप लोग किसान आदमी टेस्ट करके पहले देखें कैसा है नहीं है, टेस्ट करके देखेगा जब ही तो पता चलेगा। मान ले दो गाछ में हम देखे टेस्ट किए, कंपनी वाले आया और दो गाछ में हम देखे चला गया, तो अगर दो गाछ में हम देखे चला गया, दूसरे में यूरिया और डीएपी हम डाल दिए थे, तो हम देखे ना यूरिया डीएपी का और उसमें हम कंपनी का जो दिया था उसमें प्रोडक्ट से दिखे कितना अच्छा आया था, तो हम वही जानेंगे। जिस गाछ में कोबी में दिए उसी का हम देखेंगे, हाँ तभी तो हम मंगवाएं कोरियर द्वारा। अच्छा, आप इस दोनों प्रोडक्ट से बहुत अच्छा हुआ मेरा, खुश हैं? हाँ खुश, बहुत खुश। थैंक्स, ठीक है, धन्यवाद देता हूँ किसान सबको।